नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। हम पावर सिस्टम को आज फिर से रीस्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। रीस्टार्ट करना मैंने आपको बताया था, बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है, बहुत ही तकलीफ देह प्रोसेस होता है। हमको पूरे जो चीज़ें जो भूल गए हैं उसको फिर से आज रिविज़न करना है और आज से फिर जो है आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और अभी दिवाली भी आ रहा है तो दिवाली में बीच में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उतने को आपको करके रखना है, ठीक है दोस्तों। जो असाइनमेंट दूंगा मैं उसको, तो इतना को आप करके रखेंगे। उसके बाद जब आप फिर से दिवाली के बाद आएंगे, फिर से हम जब क्लासेस चालू करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हम जितने भी चीज़ें जो पढ़े हुए थे वो हमको पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अभी दो लेक्चर लूँगा, आज और कल। इसमें मैं आपको पूरे रिकॉल कराऊंगा कि कितने सब्जेक्ट्स मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें जो YouTube में नहीं हैं उनको चीज़ें बारे में बताऊंगा जो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका है, ठीक है जितने लोग को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यूनिट नंबर 1, दिस पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन होता क्या चीज़ है, पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज पूरा चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बताऊंगा ताकि एक रिकॉल हो जाए आपका। जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोग भूल गए हैं तो उनका रिकॉल हो जाए एक बार। फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी चालू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर यूनिट वैल्यूज का डेफिनेशन सबसे पहले देखिए क्या होता है, दैट इज पी यू सिस्टम, पर यूनिट। ऐसा इसको शॉर्ट फॉर्म में पी यू लिखते हैं, पी यू सिस्टम, या पर यूनिट क्वांटिटीज, या क्वांटिटी बोल सकता हूँ, पर यूनिट सिस्टम ना बोल के इसको क्वांटिटी बोलूँ। दैट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बट ए बेस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर मैं लाऊँ आर, पर यूनिट मेरे निकालना है तो R इन ओम होगा बटे R बेस। जैसे मेरे को निकालना है V पर यूनिट निकालना है, वोल्टेज पर यूनिट निकालना है तो वोल्टेज बटे वोल्टेज बेस करना पड़ेगा। जैसे मेरे को निकालना है I पर यूनिट निकालना है तो ये करना पड़ेगा I बटे I बेस करना पड़ेगा। जैसे मेरे को S पर यूनिट निकालना है तो आपको S बाई S पर यूनिट करना पड़ेगा। तो ये सिमिलर प्रोसेस आप सबके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, आपको S दिया हुआ है 100 kV, आपको दिया है V इक्वल टू 10 kV देता है। अब आपको पूछ रहा है कि I बेस क्या होगा, आपको सिस्टम बेस S B बराबर आपको 100 K लेके बनाना है और S B बराबर V B बराबर आपको 200 K वोल्ट लेना है और V बेस बराबर आपको 20 वोल्ट लेना है। चले तो आपको I बेस यहाँ पर बताना है, S पर यूनिट बताना है और यहाँ पर V पर यूनिट बताना है आपको। और आपको यदि Z आपका है 3+4 ओम तो आपको Z पर यूनिट भी निकालना है। उसके बाद आपको R पर यूनिट भी निकालना है, X पर यूनिट भी निकालना है। चलिए तो देखते हैं एक सिमिलर प्रोसेस इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक क्विक रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, बहुत लोग यहाँ अटेंड नहीं किया उनका भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं पूरा शुरू से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ कि पर यूनिट सिस्टम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा पर यूनिट सिस्टम कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेके। पावर सिस्टम में पर यूनिट सिस्टम का बहुत ज़्यादा महत्व है तो इसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एडवांटेज उसका देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर पर यूनिट हमको निकालना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। तो ये फार्मूला ये हो गया। अब देखिए एस दिया है तो एस पर यूनिट क्या होगा, चलिए बताइए। एस पर यूनिट बराबर क्या होता है, एस बाई एस बेस, एस सॉरी एस बेस। तो एस का मान कितना है 100 के वी ए, सॉरी के वी ए होता है ये, तो 100 के वी ए बटे 200 के वी ए। तो KVA से KVA कैंसिल हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 0.5 पर यूनिट। तो याद रखिए जो भी एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू करेंगे तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा या यूनिट लेस क्वांटिटी बोल सकता हूँ। यूनिट लेस बोलते हैं कई बार है ना, यूनिट लेस, चलिए यूनिट लेस क्वांटिटी।
तो ये हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी होता है या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो इसके बारे में यहाँ तक जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस पर यूनिट हमारा निकल चुका है, कितना आया 0.5 पर यूनिट। अब देखिए वी पर यूनिट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज बाय वोल्टेज बेस। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज कितना है, 10 के वी है और बटे 10 के है और बटे वोल्टेज बेस कितना है 20 के। तो 10 के बाय 20 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ मतलब 0.5। तो 0.5 वी पर यूनिट बराबर कितना आ गया, 0.5 पर यूनिट। कई बार हमको इसको परसेंटेज में चेंज करने को बोलता है दोस्तों, तो परसेंटेज में अगर इसको आपको चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो V पर यूनिट यहां पर हो जाएगा आपका 50%। तो प्रतिशत में अगर आपको चेंज करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसके बाद फिर से डेसिमल में आपको अगर आपको चेंज करना है तो इस परसेंटेज को आप बटे 100 कर दीजिए तो 0.5 कर देंगे। तो जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना है 100 गुणा कर देंगे, और परसेंटेज को अगर आपको नॉर्मल में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो यहाँ पर भी आपका यूज हो रहा है देख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, आपका मैथमेटिक्स भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू को हम बोलते हैं, है ना, डायमेंशनलेस होता है यूनिट पर यूनिट सिस्टम। अब हमको चाहिए आई, तो आई कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है एस बराबर होता है वोल्टेज गुणा करेंट। तो यहाँ से करेंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस बाई वी। तो यहाँ पर देखिए एस का मान कितना है, 100 के वी मतलब के, और ये 10 के वी मतलब 10 के से के कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर का यहाँ पर करंट आ गया, 10 एम्पियर का यहाँ पर करंट आ गया। चलिए तो यहाँ से आई बेस हमको निकालना है, तो आई बेस कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको देखिए वी बेस दिया है, एस बेस दिया है, आई बेस बराबर क्या हो जाएगा हमारा सेम, यहाँ से एस बेस बटे वी बेस। तो एस बेस कितना है देखिए दोस्तों, 200 के वी बटे 20 के वी, के वी कर दिया, एम्पियर बचेगा ना दोस्तों यहाँ से, एक जीरो जीरो एकदम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। तो आई बेस भी हमारा कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। तो 10 एम्पियर यहाँ तक आ चुका है, तो आई पर यूनिट बराबर क्या होता है, आई बटे आई बेस। तो आई पर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, आई बटे आई बेस, कितना हो जाएगा हमारा 10/10 दैट इज 1। तो आपका आई पर यूनिट कितना आ गया, 1 पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट आप जानते हैं हमको वी बेस बटे आई बेस करेंगे तो आपको वी बटे आई बराबर क्या मिलता है, ओम के नियम से जेड बेस मिलता है। तो जेड बेस आपको निकालना है, तो वी बेस देखिए वी बेस कितना है, 10 के वी, 10 के वी बटे आई बेस मतलब कितना, 10, 10 से 10 कट गया, तो के मतलब कितना होता है, 1000 ओम आ जाएगा हमारा जेड बेस। अब यहां पर जेड कितना दिया हुआ है, 3+4 के ओम लेता हूं मैं, किलो में लेता हूँ, है 3+4 किलो में दिया है। तो आपको कैसे करेंगे, देखिए जेड बाई जेड बेस करेंगे तो क्या निकलेगा हमको, जेड बाई जेड बेस करेंगे तो आपको जेड पर यूनिट निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको नोट्स बना के आपको भेजना है ग्रुप में, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो इसको, सबके कॉपी में चेक करूँगा मैं, है ना, सबके कॉपी में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, तो आपको जेड बेस निकल चुका है यहाँ तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेड आपको चाहिए पर यूनिट, तो जेड पर यूनिट क्या होगा, जेड बाई जेड बेस होगा। तो जेड का मान कितना है, 3 किलो मतलब कितना होता है, 3000 प्लस जे 4000 ओम, बटे कर देंगे हम इसको 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से 1000 कट गया, 3+j4। तो जेड पर यूनिट आपको कितना आ गया, जेड पर 3+j। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है R+jXL। तो देख लीजिए दोस्तों, R+jXL करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3+j4 आ रहा है,
तो R पर यूनिट से कंपेयर करेंगे तो R पर यूनिट का मान कितना आ गया आपका 3 पर यूनिट, और इसी तरीके से X पर यूनिट आपका कितना आ गया यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 4 पर यूनिट 4 पर यूनिट। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज आपको दिया रहेगा उसके मान आपको इस तरीके से निकालना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिप्लोमा में डेफिनेटली पूछा जाता है पर यूनिट सिस्टम से, पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, पर यूनिट सिस्टम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका उसका आंसर होना चाहिए आपका। तो जल्दी से बना लीजिए इसको यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ से कुछ ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, अब मैं ऐसा कुछ डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मैंने कराया, अब चलिए इसके मैं कुछ और डेरिवेशन करा रहा हूँ पर यूनिट सिस्टम की, ताकि आपको पूरा रिकॉल हो जाए एक चीज़ जो पर यूनिट सिस्टम्स है ना। पर यूनिट सिस्टम का शुरू शुरू में हमने जो क्लास लिया था उसको यहाँ पर डाल नहीं पाए थे यूट्यूब में, तो यहाँ पर आपका ये कवर हो जाएगा पर यूनिट सिस्टम्स। तो ये मैं फिर से पूरा पढ़ा रहा हूँ इसको, तो सबको इसको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं अभी आगे आपको फॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा, वहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी, तो वहाँ पर आप कई झनमूल फाड़ देते हैं कैसे ऐसा, तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा चीज़ पता होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर्स है और कल का लेक्चर पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं, 1, 2, 3 हमारे जो यूनिट्स हैं, तो हमारा 1 से 3 यूनिट कम्प्लीट रहेगा, उसके बाद हमारे जो 3 यूनिट बचे हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉल्ट और स्टेबिलिटी, जिसके बिना कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं होता। तो फॉल्ट एनालिसिस और जो स्टेबिलिटी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप बढ़िया से क्लास अटेंड करते हैं, तो मेरे क्लास लेने में कोई तकलीफ नहीं। मैं बीच में इसीलिए क्लास लेना बंद कर दिया था क्योंकि बहुत लोग अटेंड नहीं कर रहे थे। अगर आप अटेंड करेंगे डेली, मैं डेली क्लासेस लूँगा, अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। एक वीडियो के लिए मेरे को लगभग 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है और आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है। अगर आप अटेंटिव रहते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं सर कैसे बनेगा, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप मैं बस बोल रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो ये तकलीफ है, आप पढ़िए खुद से। चलिए अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, एस बराबर आप जानते हैं पी प्लस जे क्यू होता है। अगर मेरे को निकालना है S पर यूनिट, तो ये या P पर यूनिट तो कैसे निकालूंगा, और Q पर यूनिट निकालना है तो ये कैसे निकालूंगा। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इसको S बेस से आप डिवाइड कर देते हैं, तो पूरे को अगर S बेस से आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, S बेस बाई S पर यूनिट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, P बटे एस बी हो जाएगा प्लस J Q बटे एस बी। तो ये जो है आपका एस पर यूनिट बराबर हो जाएगा, ये पी पर यूनिट हो जाएगा प्लस ये जे क्यू पर यूनिट। तो आपको यहाँ से पी पर यूनिट मतलब एक्टिव पावर का अगर आपको पर यूनिट क्वांटिटी निकालना है, तो आपको पी एक्चुअल बटे आपको एस बेस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका पी पर यूनिट निकलेगा। तो ये चीज़ों को क्लियर रखेंगे। सिमिलर वे में अगर जाएंगे तो आपका क्यू मतलब क्या होता है, आपका क्यू पर यूनिट मतलब क्या होता है, रिएक्टिव पावर अगर आपको पर यूनिट में चाहिए तो आपको क्यू पर क्यू एक्चुअल बटे क्यू एस बेस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जल्दी से यहाँ पर नोट करेंगे, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर आप टाइम नहीं देते नोट करने के लिए, तो बिल्कुल नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर नोट करो कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठा करो। पहली चीज़ क्लास आती है तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, कॉपी पेन और कैलकुलेटर आपके पास, कैलकुलेटर भी होना चाहिए दोस्तों। मैं अभी बिना कैलकुलेटर यहाँ पर बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम में थोड़े जो डाटा है वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, तो आप अगर डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपना कैलकुलेटर बढ़िया से रखिए और कैलकुलेटर में बनाना सीखिए। अगर कैलकुलेटर में जिन लोगों कैलकुलेटर होने के बाद भी नहीं बना पा रहे हैं तो समझ जाओ आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मैं उससे आप समझ दे भाई कैलकुलेटर से चलाना सीखो ना, नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछो कि सर कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, उसको बताऊँगा। तो यहाँ तक आप नोट करके रखेंगे। इसी तरीके से अगर आप मैं जेड, अभी जेड इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे एक्स, बहुत आसान है दोस्तों, पावर सिस्टम बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको देखते रहना ध्यान से। अब इसको अगर मैं जेड बेस से डिवाइड कर दूँ, इसको जेड बेस से डिवाइड कर दूँ, इसको जेड बेस से डिवाइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, जेड बाई जेड पर यूनिट, और ये हो जाएगा हमारा आर पर यूनिट,
और यह हो जाएगा हमारा एक्स पर यूनिट। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर पर यूनिट का मान क्या हो जाएगा, आर बटे जेड प्लस, और यहाँ से एक्स पर यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे जेड प्लस। और इसका यूनिट क्या होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको यहाँ पर दिया है एस बेस दिया है और वी बेस दिया है, बस इन दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है बेस क्वांटिटी के लिए, बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसे निकालते हैं, अगर आपको निकालना है आई बेस, तो आई बेस आप निकालेंगे तो आई बराबर अभी बताया हूँ आपको क्या होता है, एस बेस बटे वी बेस। अब अगर आई बेस यहाँ से आपका निकल चुका है एस बी बटे वी बी, अब इसमें अगर मैं सेम चीज है, अब यहां तक देखिए ध्यान से, ये यहां तक हो गया समीकरण नंबर एक। अब जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड बेस इक्वल टू वी बेस अगर को हम आई बेस से गुणा कर देंगे तो जेड बेस आपका क्या हो जाएगा, वी बेस बटे आई बेस। अब इसमें गुणा कर दीजिए वी बी बटे वी बी का, तो ये वी बी इंटू वी बी क्या हो जाएगा, वी बेस का स्क्वायर हो जाएगा, वी बी का स्क्वायर बटे बटे आपको कर देना है आई बी इंटू वी बी, तो ये वी बी और इंटू आई बी के गुणनफल के बराबर होता है, तो बटे एस बेस। तो जेड बेस आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, तो जेड बेस आपका क्या आ जाएगा, वी बी का स्क्वायर बटे एस बी। तो ये आपका जेड भी आ गया। तो केवल आपको क्या चाहिए पर यूनिट में, क्या चीज़ को बेस क्वांटिटी मानते हैं, इसीलिए हम लोग केवल आपका कॉम्प्लेक्स पावर एस और वोल्टेज, इन दो चीज़ों को बस बेस मानते हैं, बाकी चीज़ें हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आई कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा, और जेड कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट है। इसके बाद देखिए, अब इसी में वन बाई जेड को मैं बोलता हूँ वाई, वाइट को दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस, एडमिटेंस। तो आपका वाई का मान क्या हो जाएगा बताइए, चलिए जल्दी से। तो वाई बेस आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट इज एस बी बटे वी बी स्क्वायर। तो ये आपका एडमिटेंस का बेस वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर एडमिटेंस का आपको पर यूनिट वैल्यू चाहिए तो y बटे क्या हो जाएगा, आपका y बेस हो जाएगा। तो y का मान तो y ही है, गुणा y बेस का मान क्या है आपका, 1 अपॉन एस बी बटे वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से y गुणा ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर बटे, तो ये हमारा y पर यूनिट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये y पर यूनिट का ये आपका फार्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से आपको अगर z पर यूनिट चाहिए तो आपका z डिवाइडेड बाई z बेस होता है, तो यहाँ से आपका z गुणा एस बी बटे वी बी स्क्वायर, ये आपका z पर यूनिट का डेफिनेशन। तो ये दो डेफिनेशंस आपको यहाँ से याद रखने हैं, और ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, जस्ट उल्टा देख लीजिए एक दूसरे का। तो ये आपका वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वी बी स्क्वायर बाई एस बी। इसी तरीके से आपका जेड, जस्ट उल्टा जेड अपन एस बी बटे वी बी स्क्वायर। तो यहाँ तक पर यूनिट क्वांटिटीज़ में जो बेसिक्स थे मैंने आपको क्लियर किए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है, बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमको ये पुराना चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, पर यूनिट क्वांटिटीज नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको अब रिवीजन करना है और अब स्ट्रिक्ट हो जाना है, क्योंकि एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम एक महीने बाद है, तो आपको अटेंटिव रहना है। बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ कि लिख नहीं पाओगे, कैलकुलेटर से बना नहीं पाओगे, मैं अभी कापी चेक कर रहा हूँ, बाप रे
बहुत ख़तरनाक है, है ना। तो आपको क्या करना है, पूरा चीज़ों को रिविज़न करना है और नोट्स बनाना है प्रॉपर, और उसको डेली बेसिस पे आपको काम करना है। जो काम आपको रोज़ मिल रहा है वो काम आप रोज़ करेंगे, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, बस जो काम आपको रोज़ मिल रहा है उसको रोज़ आपको करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस मतलब एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट करना। जैसे मैं मान लेता हूँ एक मेरा सिस्टम है जिसका एस है, एस हमारा वोल्टेज है, आई हमारा करंट है, ये वी बी और एस मान लेते हैं, वी और आई जो भी दिया। अब इसमें एक बेस सिस्टम है हमारा, एस बेस वन है उसका एस, इसको मैं ओल्ड वैल्यूज मान लेता हूँ, ओल्ड, या इसको मान लेता हूँ एस वन, एस बेस वन, वी बेस वन, इस तरीके से, और ये हमारा आई बेस वन, और यहाँ पर हमारा एस बेस टू है, आई बेस टू है और वी बेस टू। अब ये जो क्वांटिटीज़ थे उसको मैंने कन्वर्ट किया था पर यूनिट क्वांटिटीज़ में, तो ये हमारा एस पर यूनिट वन था जो कि मैंने इस बेस पे कन्वर्ट किया था, और ये वी पर यूनिट वन था, और ये वी आई पर यूनिट वन था, और यहाँ से जेड भी है मान लेते हैं, जेड है हमारा, तो ये जेड पर यूनिट वन था। तो हमको ये जो क्वांटिटीज़ थे इस बेस से हमको इस बेस में चेंज करना है, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ बेस। पहले यहाँ तक लिखिए, चेंज ऑफ बेस, एक बेस वैल्यू से दूसरे बेस वैल्यू में क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना, ये हमारा होता है चेंज ऑफ बेस। जल्दी से इसको लिखेंगे कि चेंज ऑफ बेस क्या है, एक बेस से दूसरे बेस में चीज़ों को कन्वर्ट करना, वो हमारा होता है चेंज ऑफ बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको एक बेस से दूसरे बेस में क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है, देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान दोस्तों, बस ध्यान से आपको देखना है और चीजों को समझना है और कॉपी में नोट्स भी बढ़िया से बनाना है। केवल देखने से सुनने से आप सीख नहीं जाएंगे, आपको अपने से मैनिपुलेट भी करना है, अपने से चीज़ों को सॉल्व भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं तो यहाँ से अगर आई बेस वन की बात करें तो आई बेस वन कैसे निकलेगा, एस बी वन बटे वी बी वन। अब ये मैं आपको इसके पहले जस्ट बताया हूँ 10 मिनट पहले कि ये सब कहाँ से निकलता है। अब मेरे को चाहिए आई पर यूनिट वन चाहिए, तो भैया आई पर यूनिट कैसे वन निकलेगा, जो भी आई है ये आई है बटे हम इसको आई बेस वन से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर ये वन। सिमिलर वे में यहाँ जाएंगे तो यहाँ से अगर हमको आई बेस टू निकालना है तो ये हो जाएगा एस बी टू हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा वी बी टू। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से अगर आई पर यूनिट टू निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, ये आई बटे आई बी टू। तो यहाँ से अगर आई बेस वन का यहाँ से मान रखेंगे, ठीक है ये रख सकते हैं, चलिए इसको समीकरण एक देते हैं, इसको समीकरण नंबर दो, यहीं तक देते हैं। अब समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर टू, तो क्या हो जाएगा आई पर यूनिट वन डिवाइडेड बाई आई पर यूनिट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई बटे आई बी वन बटे ये वाला आई आई बटे आई बी टू, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा आई बी टू बाई आई बी वन। तो यहाँ से आई पर यूनिट वन बराबर क्या हो जाएगा, आई पर यूनिट टू गुड़ा आई बी टू बाई आई बी वन। अब ये बताइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई पर यूनिट वन बराबर क्या हो जाएगा आपका आई पर यूनिट टू गुड़ा,
एस ये आई बी टू, आई बी टू का मान क्या है, एस बी टू बाई वी बी टू। अब इसको डिवाइड करना है किसको, आई बी वन से। आई बी वन का मान क्या है, एस बी वन डिवाइडेड बाई वी बी वन। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एस वाले को एक साइड लग सकते हैं, तो एस बी टू बटे एस बी वन गुणा वी बी वन बाई, तो ये हो जाएगा आई पर यूनिट। तो एक बेस से दूसरे बेस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आपको करना है। इसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो आई पर यूनिट वन बराबर आई पर यूनिट टू, और ये नया है ना इसलिए इसको एस न्यू लिख सकता हूँ बटे एस ओल्ड गुणा वी ओल्ड बटे वी न्यू। ठीक, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और है ना रोना गाना बंद कीजिए सर, टाइम नहीं मिलता करके, है ना। स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक आपके चीज़ें कंप्लीट हैं। तो हमारा सिमिलर वे में जैसे हमने आई निकाला, सिमिलर वे में अगर हम जेड निकालते हैं तो ये आपका इस तरीके से निकलता है। तो ये आपका जेड का मान जो है, जेड का मान जेड पर यूनिट टू इक्वल टू होगा जेड पर यूनिट वन एस का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, सिमिलर वे में जाएंगे आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको जेड पर यूनिट टू का मान जो है जेड पर यूनिट वन एस न्यू बटे एस ओल्ड वी ओल्ड बाई वी न्यू का स्क्वायर मिलेगा। तो ये दो चीज़ें बेस कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पहले लेक्चर जो दिया था कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ से देखिए, जेड पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी स्क्वायर एंड जेड पर यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू एस। अगर मैं एस को बढ़ाऊंगा तो जेड पर यूनिट वैल्यू बढ़ेगा, अगर मैं वी को बढ़ाऊंगा तो जेड पर यूनिट का वैल्यू कम होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज बाय टू टाइम्स देन जेड इक्वल टू हाउ। अगर मैं वोल्टेज को दो गुना बढ़ा दूँ तो जेड पर यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ये सब दुनियादारी चीज़ नहीं पूछता, आपको पूछता है आपको समरी क्या पता है, आपने इसको समझा क्या है और इससे आप क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं। तो जेट पर यूनिट आपको अगर पूछ रहा है यहाँ पर तो जेट पर यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैंने वोल्टेज को दो गुना बढ़ा दिया तो जेट पर यूनिट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो दो का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, चार टाइम्स ऑफ वी हो गया, मतलब वन बाई फोर हो गया। तो जेड पर यूनिट जो है आपका एक बटे चार गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वन फोर्थ हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। अगर मैं पूछूं कि वोल्टेज को हाफ कर दूंगा कितना होगा, तो वी बाई टू का स्क्वायर करोगे तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर मेरे से पूछ रहा है कि मैंने एस को 10% बढ़ा दिया, एस मतलब होता है सिस्टम की रेटिंग, पावर की रेटिंग, अगर पावर रेटिंग 10% बढ़ गई तो जेड का मान कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा है। तो ये तरीका है, ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको फर्स्ट यूनिट में जाके यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो मैंने बताया था उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। तो ये इसको नोट करके रखेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ तक इसको नोट करेंगे जल्दी से और इसको नोट करके आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट करके रखना है कि जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को अगर मान को बढ़ाते हैं तो पर यूनिट इंपेडेंस के मान में कमी आएगी, अगर आप पावर रेटिंग को बढ़ाते हैं तो आपके जेड भी बढ़ेगा। जो भी प्रोपोर्शनल है वो बढ़ता है दोस्तों, और जो एंटी प्रोपोर्शनल है वो कम होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर मेरे को पूछेगा कोई जस्ट इसका उल्टा, वाई पर यूनिट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई पर यूनिट वन। अब ये चीज पलट जाएगा दोस्तों, तो ये एस ओल्ड बटे हो जाएगा एस न्यू गुणा वी न्यू बटे वी ओल्ड का स्क्वायर। तो ये भी चीज आप एडमिटेंस का भी फार्मूला यहां पर लिख लेंगे। यहां तक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और इज इक्वल टू होता है, मतलब जेड पर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इक्वल टू होता है जेड पर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर के लिए आप नोट कर लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी का इंपीडेंस आपका बराबर होता है। इसका प्रूफ मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया बढ़िया से, ठीक है। जिन लोगों को समझ नहीं आया फिर से कमेंट में बोल सकते हैं कि सर फिर से बताना है, तो इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। आप एक बार अपने से पढ़ लीजिए कि जेड ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इंपीडेंस है वो सेम होता है। चलिए तो ये यहाँ तक है। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, एडवांटेज ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। चलिए हैंड डालिए, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम, हैंड डालिए जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठिए बिल्कुल अब से, है ना, कॉपी पेन के साथ ही बैठो भाई, है ना। सत्यनारायण के कथन और लास्ट में प्रसाद मिले, है ना। कई लोग ऐसे करते, खाली देखा थे भाई कई, है बिना पेन कॉपी के बैठोगे कैसे होगा भाई, है पेन कॉपी लेके बैठो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए, आपको लिखने का समय नहीं मिल रहा है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर से नोट कर लीजिए, फिर इस तरीके से आप देख पूरा को देखिए और कंटिन्यू देखिए शुरू से अंत तक। कई लोग देखता हूँ शुरू से आते हैं फिर चले जाते हैं, और कई जनता होशियार रहते हैं अटेंडेंस देख भाग जाते हैं। भाई मेरे लिए मत पढ़ने आओ ना, अपने लिए पढ़ने आओ, आपको एग्जाम में पास हो गए नौकरी लगी तनख्वाह मोला दिया का नहीं देवा ना यार, सीधा सीधा बात है। अपने लिए पढ़ो, अपने लिए करो, अपने घर फैमिली के लिए करो, उसके लिए करो, है ना, भविष्य को देखते हुए करो, है ना, ठीक है। चलो एक्सक्यूज़ नहीं देना है लोग दोस्तों कि कोरोना रही तो मैं नहीं पढ़ पाए बबा कैसे कर हम, ठीक है, तो ऐसा मत देना एक्सक्यूज़, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि एक्सक्यूज़ देने वाले के लिए ज़िंदगी निकल जाती है दोस्तों, एक्सक्यूज़ देते देते एक्सक्यूज़ नहीं दीजिए आप। आपको क्या करना है, अभी जैसे भी है सिचुएशन, आपको जैसा भी क्लासेस मिल रहा है आपको उस वे में पढ़ना है, आपको आपके लिए क्वालिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे कैसा भी कंडीशन है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए हमको क्या पढ़ना है, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज तो आपने देखा कि हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो जो भी आपका डाटा था वो या तो वन आ रहा था, वन के आसपास आ रहा था, तो डेसिमल्स में आ रहे थे, तो जो भी वैल्यूज बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, किलो मतलब होता है 1000। अब 1000 को मैं कंप्यूटर में लिखने जाऊंगा 1000 या 1,00,000 लिखूंगा इस तरीके से, 1,00,000 वोल्ट में रहता है हमारा पावर सिस्टम वोल्टेज, बहुत बड़े बड़े वोल्टेजेस रहते हैं, तो इतना सब अगर लिखता हूँ तो मैं उसके लिए डाटा का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट चीज़ हमारा सिंप्लीफिकेशन किया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया, या बोल सकते हैं इजी हो गया। दूसरा चीज आपका जो मेमोरी जो भी रिक्वायर्ड होगी ऑफ कंप्यूटर इज लेस। अगर आप डाटा क्यों डाटा, क्योंकि जो डाटा है इज अराउंड वन और डेसिमल्स में रहते हैं, तो बहुत कम डाटा है इसलिए हमको मेमोरी रिक्वायरमेंट की भी जरूरत कम पड़ती है। तीसरा चीज, यहाँ पर थ्री फेज
और सिंगल फेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो नॉर्मल सिंगल फेस की तरह हमको बनाना पड़ता है, नहीं तो कई बार क्या होता है स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करना पड़ता है, डेल्टा को स्टार। तो ये सब चोचला हमने हटा दिया, समझ गए, सब चोचला हटा देना, चले साइड हो जा, है ना। थ्री फेस और सिंगल फेस वाला चोचला यहाँ पर हट चुका है, हमको सिंपल सा यहाँ पर सिंगल फेस की तरह काम करना है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की जो कपल सर्किट थी, ट्रांसफार्मर की के कारण एक कपल्ड सर्किट बन रहा था, कपल्ड सर्किट जिसके कारण जो है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हो रहा था उसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, और हमने नॉर्मल KCL एंड KVL से हमारा जो पावर सिस्टम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं पर यूनिट सिस्टम का, जिसके कारण हम इसका यूज करते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और पांचवा चीज आपको याद रखना है कि जितने भी नेम प्लेट रीडिंग्स जो हैं वो आपके पर यूनिट में रहती है, जिससे हमको समझने में आसानी होती है। कोई भी आप मशीन लेते हैं, आप ट्रांसफार्मर में हैं, उसके जो बॉक्स बनाता है नेम प्लेट, उसमें आप रीडिंग को पढ़ेंगे तो पर यूनिट के फॉर्म में लिखता है। जितने भी मशीन हैं उस सबकी रेटिंग जो है आपकी पर यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक और हमारा फ़ायदा है कि हम जितने भी मशीन हैं उसको यूनिफॉर्म कर दिए और सबके लिए हमने यहाँ पर क्लियर किया। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और इज इक्वल टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का यहाँ पर जो रिफर्ड है इट्स सेम। तो ये चीज़ें हमने कुछ एडवांटेज लाए जो हमको लिखना रहता है एग्जाम में कि इसके क्या क्या 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसके बाद हमारा है सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए दोस्तों अब ये क्या चीज़ है, सिंगल लाइन डायग्राम। अभी इतना सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ते हैं ना, जिस दिन डबल अबो डबल लाइन पढ़ो। अभी देखा लाइफ इतना सिंगल है कि सिंगल लाइन डायग्राम आते हैं, देखा सिंगल लाइन डायग्राम तो वो नहीं था, सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा था। ठीक चलो आगे बढ़ते, सिंगल लाइन डायग्राम। अब ये क्या चीज़ है, सिंगल लाइन डायग्राम एक ऐसा टूल है जिसमें मैं पावर सिस्टम को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम जो लोड और सोर्स दो अलग अलग स्थानों पर जो भी मशीनें रखी हुई हैं उसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल होता है दोस्तों, इससे हम पूरे जो पावर सिस्टम को एक सिंगल लाइन से हम दर्शा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम। जो लोड है सोर्स से लेकर लोड तक जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको एक लाइन में दर्शाने की कला को हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। जैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हमारा जनरेटर है, मान लेते हैं कोरबा में हमारा जनरेशन हो रहा है, तो कोरबा में जनरेटर लगा हुआ है। अब कोरबा में जनरेशन हो रहा है जितना भी केवी में हो रहा है उसको हमने स्टेप अप कर दिया। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगा होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ डेल्टा स्टार ग्राउंडेड लगता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, डेल्टा स्टार होता है। उसके बाद हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन 220 KV का, अभी ट्रांसमिशन लाइन हो गया। फिर यहाँ पर जांजगीर आया है ना, बनारी का सब स्टेशन है। अब यहाँ पर सब स्टेशन है ना, हमारे ससुराल हैं बनारी है, वहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँच गए बनारी ले, फिर यहाँ फिर जांजगीर के सब स्टेशन में पहुँच गए। नैला है ना, भट्टी के बगल में है ना, वही है
तो यहाँ पर पहुँच गए जी भट्टी के बगल में, ओकर एक सब स्टेशन रखे हैं हमन। अब एक अलग फिर पूरा जगह पहुँच गए, तहाँ तुम कॉलेज में पहुँच गए थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो यहाँ पहुँच गए थे पूरा। तो ये जो है एक लाइन में दर्शाने की कला, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम। तो मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम से आपको इस तरीके से बता दिया। तो ये हमारा जो लोड सेंटर है जहाँ तक तुम्हारे घर तक पहुँचे सप्लाई, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना, तो ये तुम लोग को क्लियर रहेगा ठीक। तो ये देखिए यहाँ से कैसे हुआ, कोरबा से लेकर हमने पावर जनरेट किया और लोड जांजगीर तक पहुँचा दिया। तो जांजगीर कोरबा से जांजगीर तक को मैंने एक सिंगल लाइन में दर्शा दिया, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम हमारा बहुत पावरफुल टूल है, इससे हम एक लाइन में लोड से सोर्स तक को हम कनेक्ट कर देते हैं और उसके जरिए हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके इतना बड़ा पावर सिस्टम है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए, कोरबा से जनरेट हुआ, हमने स्टेप अप किया, फिर बना रहे हमारे ससुरालय है ना, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर स्टेप डाउन कर लिया हमने, स्टेप डाउन कर लेने दे, स्टेप डाउन करके बाद तो भट्टी हमार ना अंग्रेजी भट्टी, यहाँ पहुँच गए, यहाँ फिर सब स्टेशन है। ये सब स्टेशन क्या करता है, देखो पहले 220 हुआ, यहाँ से 11 kV में जनरेशन हुआ, 11 kV में से हमने सीधा 220 kV चेंज कर लिए, फिर 220 kV से हमने चेंज कर लिया 11 kV में। अब 11 kV बाद ये घर के पास आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर 11 kV से उसने चेंज कर लेता है 440 वोल्ट, यहाँ से आपको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई मिल जाता है। तो ये आपका इस तरीके से ये पूरा क्रम चलता है। तो इस एक सिंगल लाइन डायग्राम से हमने लोड सेंटर से सोर्स सेंटर तक को कनेक्ट कर दिया। जो भी कंज्यूमर्स हैं और जो भी हम जो सोर्स सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो जनरेट कर रहे हैं उसको घर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये चीज़ें हमने एक लाइन में दर्शा दिया, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि हमने इसके बाद कैसे इसके न्यूमेरिकल करने हैं, कैसे इसको सॉल्व करना रहता है। तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके कराए थे, एक दो न्यूमेरिकल मैं फिर से कराऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल के लेक्चर में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, ABCD पैरामीटर बताऊंगा और फार्टेस्ट के थ्योरम बताऊंगा। तो ये कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आपके क्लासेस जब लगेंगी तो हम फॉल्ट एनालिसिस चालू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं, उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए।